उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में सभी प्रत्याशी अपने लुभावनी वादे लेकर के जनता के बीच जाते हैं और उन्हें एक बार फिर लुभावनी वादे बता करके वापस आ जाते हैं। हमारे संवाददाता गाजीपुर से मेहताब आलम ने कई प्रत्याशी से बात की, आइए सुनते हैं उनकी खास रिपोर्ट में क्या कहा प्रत्याशियों ने। रमेश सोनकर जिला नगर पंचायत सैदपुर के, हमारी पत्नी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रही है और हमको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, हम हमारे पर भरोसा करकर। और मेरा एक सिद्धांत यही है, मैं चुनाव जीतेंगे और जीतने के बाद हमारा मूल सिद्धांत यही है कि मैं नगर पंचायत के अंदर जल कल पानी का व्यवस्था सुरक्षित करना, जो कमी है वो पूरा करेंगे। जो इतना सड़क टूटा फूटा है वो सड़क का नाली सड़क लेकर उसको हम बनवाएंगे, और इसके बाद गरीबों का पेंशन, जो राशन कार्ड किसी का नहीं बना हो उस गरीबों का राशन कार्ड बनवाया जाएगा, और इसके बाद गरीबों का या हर एक पूरे नगर का विकास करूंगी, हर समस्याओं को सुनूंगी देखूंगी, जिस गली में जा रहे हैं उस गली में से नाली है, बिजली है, लैटरिन है, ये सब समस्याओं को दूर करूंगी। सुषमा जी, सोनकर समाज आपके साथ है कि नहीं है? है, पूरा सोनकर खटीक समाज हमको पूरा पूरा सपोर्ट कर रही है और नगर के भी लोग सपोर्ट कर। अगर आप जीत करके आएंगी तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी नगर के लिए? नगर का विकास करूंगी, गरीबों की सेवा करूंगी, उनकी समस्याओं को पूरा करूंगी, जो काम अधूरा है नगर में उसको पूरा करूंगी। नगर पंचायत में पूरे सिस्टम से हम लोग आर ओ पानी का प्लान लगाएंगे, पूरे नगर में आर ओ पानी दिया जाएगा। और दूसरा बात कि मैं अपने नगर पंचायत में जितनी नालियां हैं सब हम लोग ठक्कनदार पूरा उसको बंद करा दिया जाएगा। और तीसरी बात कि हम लोग बूढ़े महादेव से पक्के घाटे तक जो बीच में सीढ़ियां नहीं है हम लोग जोड़ने का काम करेंगे और उस पर हम लोग पार्क भी बनवाएंगे। और चौथी बार जो है कि बूढ़े महादेव का हम लोग सुंदरीकरण कराएंगे, जिसमें उसमें सुंदरीकरण में फुहारा है, इंटरलॉकिंग है, गेट है और कुर्सियां भी हम लोग लगवाएंगे। पांचवी बात कि हम लोग सैदपुर में पूरे नगर में सीसी कैमरा लगाएंगे, अपने टाउन एरिया में एक उसका चैम्बर बनाएंगे, अब पूरे नगर में अपने सीसी कैमरा से हम लोग अपने माध्यम से बैठ के देखेंगे कि हमारे नगर में कहीं छिनैती कहीं डकैती कहीं छीना झपटी नहीं था। अब इससे पहले पुलिस चौकी के ठीक सामने 5-6 बजे एक महिला के हमारे चैन छिनैती में और वो लोग गोली भी मार दिए, वो भी बच गए चंदन निषाद से। बहुत प्रयास किए थे वो बेचारे की भी प्रयास से बदमाशों पकड़े गए भी और जेल भी गए और उसको गोली लगी, वो बेचारा बच भी गया। सुनकर जी, एक तरफ जहाँ देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने सुनकर बिरादरी से एक प्रत्याशी उतारी है और आप भी सुनकर समाज से बिलोंग करते हैं, किस तरह के क्या मतलब आप क्या कहेंगे उसको? नहीं, वो तो समाजवादी पार्टी भाई टिकट दी है तो वो अपना लड़ें, हम लोग बहन जी का आशीर्वाद है हम लोग अपना लड़ रहे हैं और समाजवादी से कोई मतलब हम लोग के नहीं है। हम लोग चुनाव नंबर एक पर चल रहा है, हम लोग चुनाव जीतेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। आप अपनी लड़ाई किससे मान रहे हैं? मेरी लड़ाई सीधे बीजेपी से है और न कांग्रेस से है न समाजवादी पार्टी से। जीत जाएंगे तो क्या इनके ऊपर जांच बैठाएंगे, क्या मुकदमा होगा क्या उनके ऊपर? जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है, आज पूरे नगर की जनता जान चुकी है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, कूड़ा डंपिंग के नाम पे जो जमीन खरीदी गई मार्केट रेट से, जबकि उसका वास्तविक मूल्य मार्केट रेट का चौथाई था, लेकिन उस जमीन के क्रय करने में मार्केट रूप से मार्केट के जो वैल्यू है, जो मार्केट का रेट है, उसे चौगुने रेट पे खरीद किया गया और आज तक उस पर कूड़ा डंपिंग का कार्य नहीं किया गया। और जहाँ तक भ्रष्टाचार करने की बात है, इस बार इस चुनाव में जनता निश्चित रूप से उनको जवाब देने जा रही है, जनता सजा देने जा रही है। और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ पूरे जनता को कि जनता अपने मतों के बल पे उनको सजा देने जा रही है, सरकार या कोर्ट तो सजा बाद में देगी, जनता आने वाले 22 तारीख को निश्चित रूप से जवाब देगी। सर 17 तारीख को